अखिलेश गठबंधन राम मंदिर से सन्यास तक, जन्मदिन पर पुराने अंदाज में मायावती, विरोधियों पर खूब बरसी मायावती, मायावती का अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मायावती जाएंगी या नहीं, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर दिया। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर धूम है। हर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठा में यजमान होंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बुलाया गया है। इसका न्योता बीएसपी चीफ मायावती को भी दिया गया था। आज अपने बर्थडे पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर अपना रुख साफ किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दिया गया था। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बाकायदा बसपा चीफ से मुलाकात करके उन्हें 22 जनवरी के दिन होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया था। तभी से सवाल उठ रहा था कि क्या मायावती अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में जाएंगी। अब बसपा चीफ ने राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस दौरान बसपा चीफ ने कहा, बहुजन समाज पार्टी धर्म निरपेक्ष पार्टी है, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मुझे जो निमंत्रण मिला है इसीलिए उसका भी स्वागत है। आगे बाबरी मस्जिद का ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है तो, और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्म निरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती। गौरतलब है कि मायावती ने राम मंदिर के मुद्दे पर अलग तरह का स्टैंड लिया है। बसपा चीफ मायावती को शायद ही कभी मस्जिद मंदिर में जाते हुए देखा गया हो। वह धार्मिक विवादों से दूर ही रहती हैं। मगर इस बार अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम के आमंत्रण के मुद्दे पर मायावती ने जो बयान दिया वह काफी अलग है। बता दें कि मायावती से पहले कांग्रेस आलाकमान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से किनारा कर चुका है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया था कि वह निमंत्रण को ससम्मान स्वीकार कर रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। राम मंदिर के अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए प्राण प्रतिष्ठा को लोकसभा चुनाव से पहले रखा गया, जबकि मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। वहीं यूपी के दिग्गज नेता और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तो बार बार अपना रुख बदलते हुए नजर आए। पहले तो सपा की तरफ से कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है, सिर्फ अपने लोगों को न्योता दिया जा रहा है। फिर जब बीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि न्योता भेजा गया है तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो अनजान लोगों से निमंत्रण नहीं लेते। हालांकि रविवार को उनके रुख में बदलाव आया। अखिलेश यादव ने कहा कि 22 जनवरी को तो नहीं लेकिन उसके बाद किसी दिन पूरे परिवार के साथ जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। एक तरफ जहां राम भक्तों का सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, उनका सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बयानबाजी का दौर कांग्रेस की तरफ से जारी है। धार्मिक आयोजन में जो राजनीति की जा रही है उसे लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।